तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है लोकेश सफर में। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो गाइस आज जो है मोटरसाइकिल को चलाएंगे पानी से। हाँ गाइस, आज मोटरसाइकिल को हम जो पानी से चलाएंगे और आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे गाइस। कोई फेक वीडियो नहीं दिखाएंगे और आपके सामने लाइव दिखाएंगे। जो होगा लाइव होगा और लाइव में आपको दिखाएंगे पानी से किस प्रकार से जो मोटरसाइकिल चलती है। भाई इसके लिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भाई जल्दी कर दो। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज हम जो है मोटरसाइकिल के पास पहुंच गए और ये है भाई मोटरसाइकिल और इसको चलाएंगे पानी की सहायता से और इसकी टंकी भी उखाड़ के दिखाएंगे आपको और टंकी को हटा के और फिर दिखाएंगे। वीडियो में दिखाया गया किसी भी चीज को घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। सीट को जो है खोल रहा हूँ यहाँ से और इसको जो है मैं हटा देता हूँ और ये है इसकी टंकी। इसको भी जो है अलग करेंगे और अलग करके दिखाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो जो पूरी टंकी को है अलग कर दिया है और उसके बाद अब इस मोटरसाइकिल को अब चलाकर देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। तो गाइस इसके अंदर जो कार्बोरेटर के अंदर तेल आता है उसको भी बिल्कुल खाली करेंगे और उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो जो मोटरसाइकिल के अंदर तेल बिल्कुल खाली कर दिया है और उसके बाद जो है हम मोटरसाइकिल को चलाएंगे पानी की सहायता से। गाइस ये है मेरे पास जो बिल्कुल पानी है और इसको चलाएंगे और उसको मोटरसाइकिल को सप्लाई देने के लिए गाइस इस वायर का जो है हम उपयोग करेंगे। इसी की सहायता से गाइस जो है एयर फिल्टर को जो है ये जो सिरिंज आगे की एयर फिल्टर के अंदर लगाएंगे और फिर देखते हैं जो बाइक है हमारी जो चलती है या नहीं चलती। तो इसके लिए हम जो है तैयार कर लेते हैं। ये बोतल है और इसी बोतल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाल के और फिर उसके बाद मोटरसाइकिल को चलाएंगे और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मोटरसाइकिल चलती है और आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। इसके लिए भाई वीडियो को लाइक। तो गाइस जैसे कि आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो छोटे छोटे बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको जो मैं बोतल के अंदर जो है डाल देता हूँ। तो जैसा कि गाड़ी था और इसके अंदर कार्बोनेट मिलाने पर जो है तैयार हो गए हमारे पास कृत्रिम पेट्रोल और इसी से चलाएंगे बाइक को और देखते हैं बाइक चलती है या नहीं चलती। तो चलते हैं बाइक के पास। ये है सिरिंज और इसको है जो मैं एयर फिल्टर के अंदर लगाऊंगा और उसके बाद जो है मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे। गाइस बाइक को जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये है मेरे पास इसका जो कंट्रोल है गाइस, इसी के हिसाब से जो है स्विच है और इसी के हिसाब से जो कम और तेज करेंगे इसके अंदर जो एयर उसको कम और तेज करेंगे और फिर करते हैं स्टार्ट गाड़ी को। तो गाइस जो बाइक हमारी 1 किलोमीटर चलने के बाद भाई बंद हो गई है और इसके अंदर जो गैस थी ना पूरी की पूरी भाई खाली हो गई है। कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे और फिर दोबारा चलाकर दिखाएंगे। भाई आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं आपको। वीडियो भाई जरूर लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसी नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो भाई देख सकते हो आप जो इस गाड़ी को हमने है भाई टंकी को भी हटा दिया। जो है इसको दोबारा से चलाएंगे और दोबारा जो है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े डालेंगे गाइस और फिर स्टार्ट करते हैं।
है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैं दोबारा जो है इसके अंदर डाल रहा हूँ, और दोबारा से इसके अंदर गैस बनाएंगे और फिर दोबारा से बाइक चलाएंगे इसको। तो भाई जो है इसके अंदर दोबारा से जो है गैस बन चुकी है भाई, और फिर करते हैं स्टार्ट। तो भाई आज आपने देखा कि जो गाड़ी को हमने भाई पानी की और जो है कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से इस गाड़ी को गाई, इस गाड़ी को जो हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाया और गाड़ी भी भाई अच्छी तरीके से भाई काम कर रही थी। तो भाई आपने भी जो है देखा था और हमने लाइव प्रूफ दिखाया था गाई टंकी को हटा के, हाँ गाई टंकी को बिल्कुल जो अलग कर दिया था, और कार्बोरेटर का जो तेल था गाई उसको भी हमने ख़त्म कर दिया था, और जो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी की सहायता से हमने जो है इसको मोटरसाइकिल को चलाया। तो भाई वीडियो को आप लाइक करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।